तो एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए और इसकी कमियाँ लिखिए। यह आपके एग्जाम में 2 या 4 नंबर से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना उत्तर लिखते समय, बोर का परमाणु मॉडल। अब यहाँ पर लिखना है कि बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो दोष है ना, जो कमियाँ है ना, उनको दूर करने के लिए या उनको दूर करते हुए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु का मॉडल, जो कि जो है क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। सन 1913 में प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर जो है बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया है। तो परमाणु मॉडल देते हुए इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं की जो कुछ इस प्रकार हैं। क्या है? तो परमाणु जो है नाभिक के चारों ओर, यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और चक्कर वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, और पथ की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा स्तर कहते हैं जो पथ की कक्षाएँ होती है ना उनको। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक नाभिक होता है परमाणु में और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन लगातार एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इनकी ऊर्जा की लगातार हानि होती है। यहाँ पे जब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, तो यहाँ पे ऊर्जा की लगातार हानियाँ भी होती है, और हानियों के साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो स्थायी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं बोले। उसके बाद में और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग जो है h/2π या इसका सरल गुणक होता है। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, केवल उन कक्षाओं में ही घूमते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, जिनका कोणीय संवेग जो है h/2π इसका सरल गुणक होता है। उसके बाद में हम 14 नंबर देख लेते हैं कि नाभिक के निकट की कक्षा जो है N1 या K की ऊर्जा जो है कम होती है। जो नाभिक के किनारे वाली जो कक्षाएं होती है ना, यहाँ पे जो पहले किनारे वाली फिर दूर वाली, तो जो किनारे वाली कक्षाएं होती है इनकी ऊर्जा कम होती है, इसे N=1 कहते हैं, इसे फिर 2 या इसे 3 या KLMN का आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे कक्षाएं का स्तर बढ़ते जाता है, उनकी ऊर्जाओं का स्तर भी बढ़ते जाता है, जैसे N=1, 2, 3, 4 या MLN इस प्रकार से चलते रहता है और उनकी ऊर्जा अधिक होती जाती है। फिर इन्होंने 5वां पॉइंट दिया कि उत्सर्जित या जो अवशोषित विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो निकटवर्ती 2 ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करती है। इन्होंने बताया कि जो उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो जो निकटवर्ती 2 ऊर्जा स्तर होते हैं ना, ये नाभिक के स्तर की जो निकटवर्ती 2 ऊर्जा स्तर होते हैं, इन दोनों पर निर्भर करती है जो अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि कैसे निर्भर करती है कि, तो जो E होती है ना ऊर्जा, डेल E बराबर जो है E2-E1 होती है। कहने का मतलब यह है कि ये एक कक्ष हो गया और एक ये कक्ष, इसकी E2 है और इसकी E1 है, तो इन दोनों का माइनस जो होता है ना, तो वो होता है डेल E। इस प्रकार से इसी के बराबर h μ रख सकते हैं और hc/λ इसे कह सकते हैं। ये प्लैंक के सिद्धांत पर निर्भर करता है। उसके बाद में जो है एक फार्मूला भी यहाँ से बना है जो कि इस सिद्धांत में लागू होता है, वो होता है mvr = nh/2πr। यहाँ पर क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, h प्लैंक नियतांक होता है, r नाभिक की कक्षा की दूरी होती है, और भी जो है इलेक्ट्रॉन का वेग और n कक्षा का संकेत होता है, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है बोर के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियाँ रहें। तो बोर के परमाणु मॉडल की बात करें तो यहाँ पे कुछ कमियाँ रह गई थी। कमियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। इस परमाणु मॉडल के द्वारा जो है केवल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या परमाणविक स्पेक्ट्रम की जो है व्याख्या सही नहीं है। इन्होंने बताया कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की परमाणवीय स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, स्पेक्ट्रम जो बनता है ना, जैसे प्रिज्म से जब हम किरण गुजारते हैं तो ऐसे कुछ रंगों में विभक्त हो जाती है, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसकी ये व्याख्या नहीं कर पाते हैं या परमाणु मॉडल अच्छे से, है ना, इसलिए इसकी ये कमियां हो गई है। उसके बाद में ये है कि जो परमाणवीय स्पेक्ट्रम है उसको सूक्ष्मदर्शी में से देखे जाने पर उसकी मोटी रेखाएं बहुत सी जो है बहुत बारीक बारीक रेखाओं में बनी होती है, इसलिए सूक्ष्म संरचना इसकी सही नहीं है। इस परमाणु मॉडल के अनुसार जो इसमें परमाणविक स्पेक्ट्रम की जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाली जो मोटी रेखाएं हैं वो बहुत ही बारीक बारीक रेखाओं में बनी होती है, तो इसलिए जो है इसकी संरचना जो होती है ना, सूक्ष्म संरचना, वो भी जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। उसके बाद में जो है जिस वस्तु से ऊर्जा को उत्सर्जन करता है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो है वर्णक्रम उनके जो है रेखाओं में विभक्त हो जाती है, अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाती है, तो इसे जो है जीमन प्रभाव कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जीमन प्रभाव क्या होता है, है ना, तो जीमन प्रभाव की ये व्याख्या नहीं कर पाए। होता क्या है, जब किसी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लगातार ऊर्जा निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक वर्णक्रम जो है अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाता है, ये जीमन प्रभाव होता है। तो बस ये इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाए हैं। और एक और आप देख सकते हैं कमियाँ क्या रह गई हैं, तो ऊर्जा वेग और त्रिज्या व्यंजक जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए योग्य
या सही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बोर का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, जब तक के लिए जो है आप देखते रहिए अपने इस चैनल में, जब तक के लिए गुड बाय।